दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो ये एक बहुत जो है ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन, तो आपने हो सकता है इसके बारे में कुछ वीडियोस भी ऑनलाइन जो देखी हों, और हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन भी हो। तो आज जो है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप चैट जीपीटी को जो है किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इससे पहले कि मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊँ, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा मैं अपने काम के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम ऑनलाइन जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है। आप किसी भी किस्म की ऑनलाइन उर्दू इंग्लिश कंपोजिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और रिमोटली अगर कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विसेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, सीसीटीवी या कंप्यूटर कोर्सेज या रिमोट कंप्यूटर कंपोजिंग जो है करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, गूगल में जाने के बाद जो है यहाँ पर आपने सर्च करना है, ठीक है जी, चैट जीपीटी। ठीक है, मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पर जो है आपको जो फर्स्ट वेबसाइट नज़र आ रही है इसको आपने जो है यहाँ से ओपन कर लेना। ठीक है, जब आप चैट जीपीटी को ओपन करते हैं ये इंटरफेस आपके सामने आ रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जो है मतलब जिस तरह से चैट करते हैं, चैट करनी जो जितने भी कंप्यूटर यूज़र उनको आती है, जब किसी से चैट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो टाइपिंग करते हैं, फिर वहाँ से जिस तरह आप व्हाट्सएप में भी जो है चैट कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह ही है। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी साइड पर कोई ह्यूमन अवेलेबल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम अवेलेबल है जो आपको आपकी बात का आंसर जो है दे रहा होता है। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये अभी जो मैंने इसको यूज़ करके देखा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। अब इसको यूज़ आपने किस तरीके के साथ करना है यहाँ पर देखें तो नीचे आपके पास ऑप्शन है ट्राई चैट जीपीटी। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये फ्री है, मे बी इन फ्यूचर में ये फ्री ना रहे, आपको इसके लिए जो है पे करना पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ एक और बात जो है बताता चलता हूँ, ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड का पूछेगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट कर लेना है, जिस तरह आप अपना जीमेल अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है जब अपना आईडी बनाएंगे तो आपने करना ये होगा कि अपना जो आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, वहाँ पर आप एंटर करेंगे और पासवर्ड में एक बात अपने जहन में बिठा लें कि आपने जो है अपना जो आईडी का पासवर्ड है वो नहीं देना, बल्कि जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आपने पासवर्ड जो देना। अक्सर लोग कहते हैं चलो यार मेरा जो जीमेल का पासवर्ड है मैं वही यहाँ पर यूज़ कर लूँ, तो ऐसा गलती से भी नहीं करना, आपका आईडी जो है हैक भी हो सकता है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्राई चैट जीपीटी। तो मेरे पास जो है डायरेक्टली ये इंटरफेस इसलिए आ गया है क्योंकि मेरा आईडी ऑलरेडी जो है क्रिएट हुआ हुआ है और मैं ऑलरेडी जो है लॉग इन हूँ। तो आपने इस प्रोसेस को ट्राई करना, अपना आईडी बनाना। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अब मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, कमेंट्स में बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कहाँ पर कौन सी मुश्किल जो है आपको पेश आ रही है। अब ये वर्क किस तरह से करता है, नीचे आपके पास यहाँ पर जो है आप समझे एक चैट बॉक्स जैसा व्हाट्सएप पर आपके पास आ रहा होता है, तो यहाँ से आपने जो है इसको यूज़ जो है करना है। ठीक है, मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ कोई भी, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है जी, मैंने इससे पूछा, अब ये देखें ये आपका यहाँ पर डिटेल बता रहा है कि माय नेम इज असिस्टेंट। पहले जब मैंने इससे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया तो इसने जो है कहा था कि मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन आप मुझे असिस्टेंट कह सकते हैं। लेकिन पुरानी बात जो है आप इससे जब आप लॉग इन कर लेंगे तो वो उसको याद रहती है। ठीक है, मतलब जिस तरह भी आप फ्यूचर में इसको आहिस्ते आहिस्ते यूज़ करते रहेंगे तो ये आपके जो आईडी के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है उसको याद रखता है, पुरानी बातों को भी याद रखेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इस तरह समझेंगे जैसे आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, तो पुरानी मेमोरी भी उसके पास जो है सेव ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर जो आप इससे और क्या काम ले सकते हैं, ठीक है, मैं सपोज़ कर इसको कहता हूँ कि आप जो मुझे एक ऐसे लिख के दें स्कूल के ऊपर, ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है। अब आप ये देखें, ठीक है, मतलब आप गूगल को भी अगर यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस आपके पास। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आएगा इसके साथ काम करने का। मतलब आप जैसे आपको कोई दोस्त है आप उससे कुछ भी पूछ रहे हैं वो आपको जो है आंसर दे रहे हैं इंग्लिश में, इससे मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट की भी हेल्प लेना चाहें तो वो भी इससे ले सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग नेट पे ये बता रहे हैं कि आपको डिज़ाइनिंग भी करके देगा, आपको ये भी करके देगा, वो भी करके देगा, तो भाई ये एक चैट प्रोग्राम है, तो ये चैट में जो आपको बता सकता है वो सब चीज़ें जो है करके देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है कोशिश करते हैं मैथ्स को क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर गूगल पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है
मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है, ये एक वेबसाइट यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं जो, ठीक है, जैसे ये एक सिंपलीफाई का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यहाँ से मैंने पिक किया, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो इसका क्या रिजल्ट जो है मिलता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इसने जो है इसको सॉल्व करना, जो अभी यहाँ पर स्टार्ट कर देना, और स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बताएगा भी, ये सॉल्व करके दिखाएगा भी। तो इस वे में भी जो है आप इससे हेल्प ले सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर जो एक बहुत बड़ी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमारा काम जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि ये कि आपके जहन में आईडी से रिलेटेड जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर होती है, हम आपको बेहतर से बेहतर जो है प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है, चैट जीपीटी को, और आपने मुझे ये कमेंट्स में बताना है कि आपके लिए किस कदर जो है हेल्पफुल है, ठीक है। आप इसे कुछ भी पूछें, अपने नेम के मतलब पूछें, अपनी स्टडीज़ के हवाले से पूछें, कोई चीज़ इससे करवानी है, लिखवानी है, मतलब कोई भी आप जो है स्टडी से रिलेटेड जो है इससे बात पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप के जो आज की वीडियो है चैट जीपीटी के बारे में, शॉर्ट सी वीडियो, आपको पसंद आई होगी। और अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होती है कि बात आपको समझ में नहीं आती है, तो कन्फ्यूज़ होने के बजाय बिना झिझक आप मुझसे जो है किसी भी टाइम में पूछ सकते हैं। आप जब भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, आपको रिप्लाई जो है ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू।